रक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, हम हमेशा संवाद स्थापित करते आए हैं, जूड़ा को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। मैंने उनसे 6 बार चर्चा की, जूड़ा सरकार और हाईकोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। जूड़ा ब्लैकमेल कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर को तुरंत हड़ताल खत्म कर वापस लौटना चाहिए। जूनियर डॉक्टर की मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। कर रहे हैं, हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, अभी भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमने हर समय बातचीत की, उनकी सब बातों को मान लिया। अब ये इस बात पर अड़े कि हम गांव में ड्यूटी नहीं करेंगे तो गांव का क्या होगा? स्टाइपेंड हमने बढ़ा दिया, सही मायने में आप देखेंगे तो हम तो लगातार उनकी हर मांग को, और हमने तो शायद देश के किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, हम ये व्यवस्था तक लागू करने को तैयार हो गए थे कि हर साल हम 6% बढ़ा देंगे। अब सम्माननीय हाईकोर्ट ने यदि कुछ कहा है तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए, यदि हम इस देश के नागरिक हैं तो हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश का पालन सबको करना चाहिए। हम हर समय बातचीत को तैयार है, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, और इस पैंडेमिक में मरीजों की ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है, मरीजों के साथ यदि ब्लैकमेलिंग हो रही है तो ये ठीक नहीं है। और मैं तो स्वयं आगे बढ़कर बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने 5-5 बार बात की और मैंने स्वयं ने उनकी सब समस्याओं को हल किया है। अब मुझे लगता है हाईकोर्ट का यदि निर्णय आया है तो उसका पालन करना चाहिए। कि सरकार बात तो करती है, वादा के लाती करती है। सर सामूहिक इस्तीफे के बाद कुछ आप एक्शन क्या? मुझे लगता है स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट किस चीज़ से इस्तीफा देना ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है।